वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पेसिफिक रोटेशन एंड इनेंशियोमेरिक एक्सिस। इसमें ज़्यादातर हमें थियरी कुछ नहीं पढ़नी है, बस फार्मूला देखना है और उस पर क्वेश्चन किस तरह से होते हैं हमें वो देखना है। तो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं सारे, पहले आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं, जो करना देख लीजिए पहले। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे पहले फार्मूला, फिर उसके बाद हम देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन एंड इनिशियोमेरिक एक्सिस में सबसे पहले हमारे पास है स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला। इसे लिखते हैं ब्रैकेट में अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई सी इन टू एल। ये वाला जो होता है हमारा स्पेसिफिक रोटेशन, और ये वाला अल्फ़ा जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन, और सी जो होता है हमारा कंसंट्रेशन होता है, इसकी यूनिट हमारी ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए, और एल जो होता है हमारा पाथ लेंथ होता है, और इसकी यूनिट जो है वो हमारी डेसीमीटर में होनी चाहिए। अगर कहीं के पर हमारे सेंटीमीटर में दिया हो तो उसे हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला भी लिख लेंगे, वन डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ई का मतलब होता है यहाँ पर इनेंशियोमेरिक एक्सिस। ये स्पेसिफिक रोटेशन का पार्ट हो गया हमारा। इनेंशियोमेरिक एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं। ई का मतलब इनेंशियोमेरिक एक्सिस, परसेंटेज ऑफ इनेंशियोमेरिक इज इक्वल टू, इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में जो हम कहते हैं मॉड आर माइनस एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एस इंटू 100। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास R जो है वो 60 है और S जो है वो 40 है, तो ये 60 ये 40 इसमें जब इसको माइनस करेंगे 60 में से 40 यहाँ पर आएगा आपके पास 20 प्लस 20 आएगा। लेकिन अगर ये वाला S हो जाए और ये वाला R हो जाए तो यहाँ से आ जाएगा, जब हम R में से R माइनस S करेंगे तो यहाँ पर R हमारे पास 40 है और ये माइनस ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो माइनस 20 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये मॉड लगा है ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हमारे पास अगला एग्जांपल है, इनेंशियोमेरिक इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक रोटेशन इंटू 100। अगर हमारे कोई किसी क्वेश्चन में ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन दिया हो तो हम ये फार्मूला लगाकर इनेंशियोमेरिक एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें इनेंशियोमेरिक एक्सिस दी हो, स्पेसिफिक रोटेशन दिया हो और ऑप्टिकल रोटेशन पूछ रहा हो तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर ये दोनों दिया हो तो ये निकाल सकते हैं। अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इनेंशियोमेरिक इज इक्वल टू अल्फा ऑफ सैंपल या अल्फा ऑफ प्योर इनेंशियोमर। ये जब हम एग्जांपल करेंगे तब इसके समझेंगे, कोई हमारा सैंपल दिया होगा, कोई प्योर इनेंशियोमर दिया होगा तो हम सैंपल की जगह जो वैल्यू दी होगी हमारे वो रख पुट करेंगे और यहाँ पर प्योर इनेंशियोमर की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू पुट करेंगे। और अगले पास जो हमारा है परसेंटेज ऑफ इनेंशियोमेरिक इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ आर माइनस परसेंटेज ऑफ एस। अगर हमारे पास कोई परसेंटेज ऑफ आर दिया हो, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है, अभी हम एग्जांपल जब करेंगे तो देखेंगे। अगर हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ आर दिया है और परसेंटेज ऑफ एस दिया है तो उससे हम भी इनेंशियोमेरिक एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो परसेंटेज ऑफ इनेंशियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू परसेंटेज ऑफ आर माइनस परसेंटेज ऑफ एस। अब इस R और S की जगह पर आप D और L भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ इनेंशियोमेरिक इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ D परसेंटेज ऑफ L। यहाँ पर D L जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेबर रोटेटरी है। यहाँ पर R S था, यहाँ पर D L है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेबर रोटेटरी। और जो R और S होगा इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका जो एडिशन होगा वो हमेशा 100 के बराबर आएगा। परसेंटेज ऑफ आर प्लस परसेंटेज ऑफ एस इज इक्वल टू 100। उसी तरह से अगर आप डेक्स्ट्रो और लेवो को फॉर्म में देखना चाहें तो लिखना चाहें या फिर जो भी करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डी प्लस परसेंटेज ऑफ एल इज इक्वल टू आल्सो 100। अगर हमारे पास कोई मेजर निकालना हो तो मेजर के लिए फार्मूला हो जाएगा मेजर इज इक्वल टू 100 प्लस इनेंशियोमेरिक एक्सिस डिवाइडेड बाई 2, और माइनर में 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सिस डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास मेजर और माइनर दिया हो, इनेंशियोमेरिक एक्सिस पूछ रहा हो, तो इसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे।
एनन्शियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू मेजर माइनस माइनर, तो हमारी एनन्शियोमेरिक एक्सेस हो जाएगी। अब समझते हैं एग्जांपल से कि कैसे होगा हमारे, जैसे कि हमें आर दिया हो 40% और यहाँ पे दिया है रेसमिक मिक्सचर 60% और यहाँ पे पूछ रहा है टोटल परसेंटेज ऑफ आर कितना है। आर हमें दिया दे दिया गया 40%, रेसमिक मिक्सचर में दिया है 60%, 60% आप यहाँ पे बना, तो टोटल परसेंटेज ऑफ आर पूछ रहा है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। जो ये रेसमिक मिक्सचर होता है इसमें 50% आर और 50% एस होता है, यानी कि इसमें से 30% जो वो आपका 30% जो वो आपका आर हो जाएगा और 30% जो है वो एस हो जाएगा, ठीक। अब टोटल आर पूछ रहा है, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर 40 पहले से दिया है प्लस यहाँ पर 30 इस रेसमिक मिक्सचर से निकला, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टोटल 70%, आर इज इक्वल टू 70%। और यहाँ पर एस इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू आप यहाँ पे लगा लें, एस इज इक्वल टू हमारे पास था 30% और आर इज इक्वल टू था 70%, दोनों को आप ऐड करेंगे 70 + 30 इज इक्वल टू 100। यही यहाँ पर कह रहा है, आर प्लस एस हमेशा जब भी इन दोनों को ऐड करेंगे वो होगा हमारा 100%, जबकि हमारे पास यहाँ तक हो गया, हमें आर निकालना था, हमने आर निकाल लिया, आर आएगा हमारा 70%, यहाँ तक हो गया हमारा, लेकिन हम 70 यहाँ पर और 30 यहाँ पर देख रहे हैं, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 100, यानी कि जो हमने यहाँ पर देखा था फार्मूले में परसेंटेज ऑफ आर प्लस परसेंटेज ऑफ एस इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये सही है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल में क्या है, आर इज इक्वल टू 70% यही है, एस इज इक्वल टू 30% यही है। अब यहाँ से पूछ रहा है एनन्शियोमेरिक एक्सेस कैसी होगी, कैसी नहीं कितनी होगी एनन्शियोमेरिक एक्सेस कितनी होगी, तो आप फार्मूला यहाँ पर सर्च करें कौन सा फार्मूला लगेगा, आप परसेंटेज ऑफ आर परसेंटेज ऑफ एस दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, परसेंटेज ऑफ आर परसेंटेज ऑफ एस दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे एनन्शियोमेरिक एक्सेस निकालने के लिए, तो परसेंटेज ऑफ आर माइनस परसेंटेज ऑफ एस, यानी कि आर में से माइनस एस घटा दोगे, यानी कि 70 में से ये 30 घटा दोगे, 70% माइनस 30 इज इक्वल टू 40, यहाँ हो जाएगा एनन्शियोमेरिक इज इक्वल टू एनन्शियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू 40%, परसेंट लिख लेंगे हम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, यहाँ पर कैपिटल डी है कैपिटल ए है, इसका मतलब भी आप डेक्स्ट्रो और लेवो ही समझेंगे, अभी समझेंगे अभी क्या इसका मतलब डेक्स्ट्रो और लेवो है, ये 70 और एल इज इक्वल टू 30, ये 70 ये 30 ये दोनों सेम है, बस यहाँ पर ये आर था ये एस था ये डी है एल है, बाकी फार्मूला आप ये वाला लगा सकते हैं, कौन वाला एनन्शियोमेरिक डी एल आएगा वही आपका एनन्शियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू 70 - 30 इज इक्वल टू 40, एनन्शियोमेरिक एक्सेस इक्वल टू 40 आ जाएगा। ये तो हमारे हो गए अभी सिंपल से एग्जांपल, अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है हमें लिखा हुआ है कैलकुलेट ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम गिवन डाटा, ये हमें दिया गया है और हमें ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करना है, तो ऑप्टिकल रोटेशन आप इस फार्मूले में सर्च करें ऑप्टिकल रोटेशन कहाँ पर है, एक तो आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन ये रहा आपका ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पर, तो आप इस फार्मूले का कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं कि नहीं अभी हमें देखना है, अब इसमें देखना है स्पेसिफिक रोटेशन दिया है ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रोटेशन दिया है, अगर हमारे एनन्शियोमेरिक एक्सेस पता चल जाए तो हम ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें एनन्शियोमेरिक एक्सेस तो दी नहीं है डी एल दिया है, तो डी एल से एनन्शियोमेरिक एक्सेस कैसे निकालनी है, तो अभी मैंने इसी एग्जांपल में कहीं ना कहीं दिखाया था, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं एनन्शियोमेरिक एक्सेस इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100 इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन आपको पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन को हम इस साइड कर देंगे
तो ये हो जाएगा एनेंशियोमेरिक एक्सेस मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक रोटेशन, और इधर अभी इनटू 100 है ही, ठीक। अब हम ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल टू करके ये हम 100 इधर कर देंगे, इधर हम कर दें ऑप्टिकल रोटेशन। अभी हम फार्मूले को पहले सेटल कर लें, उसके बाद हम वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल टू इधर एनेंशियोमेरिक एक्सेस इनटू स्पेसिफिक रोटेशन, जब ये 100 इस साइड आएगा तो इधर आ जाएगा ये डिवाइड में, ठीक है। अब ऑप्टिकल रोटेशन आप इधर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एनेंशियोमेरिक एक्सेस की वैल्यू, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू, और ये 100 तो है ही, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल रोटेशन एनेंशियोमेरिक एक्सेस, अभी देखिए रुक जाइए, डिवाइडेड बाई 100 है। स्पेसिफिक रोटेशन हमें दिया 20 डिग्री, ये हो गया 20। एनेंशियोमेरिक एक्सेस अगर हमें पता चल जाए तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस हम साइड में निकाल लेते हैं। एनेंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल टू होता है हमारे पास परसेंटेज ऑफ डी, कैपिटल डी डी है तो हम कैपिटल डी फार्मूला लिख लेते हैं, माइनस परसेंटेज ऑफ एल। ये देखिए परसेंटेज ऑफ एनेंशियोमेरिक, परसेंटेज ऑफ डी माइनस परसेंटेज ऑफ एल, यहाँ पर आप परसेंटेज लिख लें, बाकी सब ठीक। कैपिटल डी स्मॉल डी उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, डी एल का मतलब यहाँ पर डेक्स्ट्रो एंड लेवो, एल का मतलब लेवो रोटेटरी। तो यहाँ से डी हमारे पास है 90 डिग्री, और यहाँ पर माइनस 10, यहाँ से एनेंशियोमेरिक इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, 80%। तो 80 अब हम यहाँ पर रख देंगे, और एक ज़ीरो इससे कैंसिल, एक ज़ीरो ये ज़ीरो इससे कैंसिल, और ये 8 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे जो हो जाएगा 16। ऑप्टिकल रोटेशन आपका दिस इज़ योर आंसर। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल, पहले मैं इसको रफ कर दूं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल इजी है, कैलकुलेट एनेंशियोमेरिक एक्सेस हमें फ्रॉम गिवन डाटा, ये दिया गया स्पेसिफिक रोटेशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन दिया है। देखो स्पेसिफिक रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन दिया है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। सॉल्यूशन एनेंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन यानी कि 18 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक रोटेशन 20 इंटू 100, ये 1010 गया, ये हो जाएगा 2918, और ये 9 हमें 90। एनेंशियोमेरिक इज इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पर आपकी 90 डिग्री, बस यही कैलकुलेट करना था। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने सीधे सोल्यूशन स्टार्ट किया है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ऑफ कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम इन 1 ml, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो हमारा 100 मिलीग्राम इन पर ml 1 ml में। वाटर मीजर क्वार्ट्ज ट्यूब ऑफ 5 cm लेंथ फाउंड टू बी -3 डिग्री, दी स्पेसिफिक रोटेशन इज, यानी कि इसमें स्पेसिफिक रोटेशन पूछ रहा है, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू -3 डिग्री, और पाथ लेंथ जो हमारी 5 cm में दी है, और यहाँ पर हमें क्या कह रहा है स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए, स्पेसिफिक रोटेशन हमसे पूछ रहा है। तो अल्फा सी एल, तो आप पीछे आए इस क्वेश्चन में, इस फार्मूले में देखें अल्फ़ा सी एल, और ये जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन ये पूछ रहा है, तो अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन सी इंटू एल। लेकिन अब इसमें अल्फ़ा तो दिया है -3 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी -3, और सी कंसंट्रेशन इसकी यूनिट होनी चाहिए ग्राम पर ml में, लेकिन यहाँ पर क्या है मिलीग्राम पर ml। तो अभी हमें पहले इसकी यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हिंट लिख दिया है। 100 मिलीग्राम है, पहले देखिए 1 ग्राम में हमारे पास 1000 मिलीग्राम होता है,
एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो एक मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम। कैसे? एक मिलीग्राम में इस 1000 को इधर डिवाइड कर दो, 1/1000 ग्राम। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया और इस चीज़ को यहाँ पर इधर किया है 1 मिलीग्राम, इस 1000 को इधर कर दिया नीचे की साइड, 1/1000 ग्राम उस साइड चला गया। तो ये हो जाएगा फिर 1 मिलीग्राम में जब इसको डिवाइड कर दोगे 1 को 1000 से, तो हो जाएगा 0.001 ग्राम। ये हो गया 1 मिलीग्राम का। यहाँ पर हमें चाहिए 100 मिलीग्राम का, तो यहाँ से हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 100 मिलीग्राम इज इक्वल टू 100। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दशमलव, मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दो अंक दाहिने जाता है ना, तो 0.1 ग्राम। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू ये हो जाएगी 0.1 ग्राम। ग्राम पर ml, सही है, ग्राम पर ml। और देखिए l की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है, और यहाँ पर l की वैल्यू डेसीमीटर में होनी चाहिए और वहाँ पर सेंटीमीटर में दी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था जब हमें सेंटीमीटर में दी हो तो डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक डेसीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 10 सेंटीमीटर, तो इसी से हम कन्वर्ट करेंगे। एक डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे 1/10 डेसीमीटर। तो एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू जब इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.1 डेसीमीटर। अब हमें कितने में चाहिए, 5 सेंटीमीटर में। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर। यहाँ तक ठीक है? ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर। तो अब हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू यूनिट बदलने के बाद आ चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। सी की वैल्यू हमारे पास है 0.1 इंटू 0.5, जब इसको आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 0.05। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद जब अब इसको इसे डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा -60 डिग्री। हाँ, मैंने तो आपको ऑप्शन बताया नहीं था, ये ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन थे, पहला था -30 डिग्री और बी वाला था -60 डिग्री, सी -6 डिग्री, डी था +6 डिग्री। तो ये बी वाला जो है हमारा -60 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यह एग्जांपल हमारा लास्ट होगा, तो इसका भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। एन ऑप्टिकली प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +40 डिग्री एंड ऑप्टिकली प्योरिटी ऑफ सैंपल जो है वो +32 डिग्री। यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है ऑप्टिकली प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड +40 डिग्री एंड ऑप्टिकली प्योरिटी ऑफ सैंपल जो +32 डिग्री। यहाँ पर प्योर और सैंपल वाला बात हो रही है ना, तो प्योर और सैंपल किस में है हमारा, किस फार्मूले में? तो देखो ये वाले फार्मूले में है, तो अल्फा ऑफ सैंपल अल्फा ऑफ प्योर, तो इस फार्मूले में रख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे एनिशियोमेरिक एक्सेस। तो क्या है हमारे पास, अल्फा ऑफ सैंपल यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल, सैंपल वाला क्या हमारे पास 32 डिग्री, 32 डिवाइडेड बाई अल्फा ऑफ प्योर एनशियोमर, प्योर वाला क्या हमारे पास 40 डिग्री हो गया, और इंटू 100, ये 100 हो जाएगा, ये 1010 से कैंसिल, 4 8 32, 8 2 80 80%। यहाँ पर ऑप्शन देख रहा होगा आपके 8%, 12%, 20%, 80%, तो ये वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक रोटेशन एंड एनेंशियोमेरिक एक्सिस। अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टोपोसिटी, उसको देखने के बाद स्टीरियो केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे हम एरोमेटिसिटी। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।